दोस्तों आईपीएल 2024 का सीजन लगभग लगभग खत्म हो चुका है और आईपीएल 2024 के खत्म होने के बाद अब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आईपीएल 2025 के ऑक्शन यानी कि मेगा ऑक्शन के लिए अपनी तैयारी स्टार्ट कर चुकी है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स का नया स्क्वाड किस प्रकार से होगा, चेन्नई सुपर किंग्स कौन कौन से प्लेयर्स को रिटेन रिलीज करेगी और इसके साथ ही कौन कौन से नए सुपर स्टार प्लेयर्स को अपने स्क्वाड में मिल करेगी। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको बता दें कि यदि आप लोग महेंद्र सिंह धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स के सच्चे वाले समर्थक है तो हमें टेलीग्राम पे फॉलो करें, क्योंकि हम अपने टेलीग्राम चैनल पे MS धोनी के अगले साल अवेलेबिलिटी के ऊपर सभी अपडेट सबसे पहले देते रहेंगे। तो यदि आप लोग जानना चाहते हैं कि MS धोनी अगले साल IPL में खेलेंगे या फिर नहीं तो हमें टेलीग्राम पे फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और IPL 2025 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के नए स्क्वाड के बारे में बता देते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस बार चेन्नई सुपर किंग्स की टीम नॉकआउट मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हाथों हार करके प्ले ऑफ के दौर से बाहर हो गई थी, जहां पे चेन्नई की टीम प्ले ऑफ के काफी नजदीक थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली RCB की टीम ने इस बड़ी टीम को हरा दिया और चेन्नई प्ले ऑफ से बाहर हो गई। हालांकि इन सब चीजों को छोड़ते हुए अब हम लोग बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के नए स्क्वाड के बारे में। तो इस बार मेगा ऑक्शन का आयोजन किया जाएगा, जिस वजह से चेन्नई सुपर किंग्स मैक्सिमम 4 प्लेयर्स को ही अपने स्क्वाड में रिटेन कर पाएगी और IPL की सभी 10 टीमें भी मैक्सिमम 4 प्लेयर्स को ही रिटेन कर सकती है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर चेन्नई सुपर किंग्स कौन कौन से प्लेयर्स को अपने स्क्वाड से रिलीज यानी कि बाहर का रास्ता दिखाएगी। तो इसमें पहला बड़ा नाम आता है अरवेली अविनाश का, इसके बाद दूसरा बड़ा नाम आता है अजिंक्य रहाणे का, इसके बाद तीसरा नाम आता है शेख राशिद का, चौथा नाम आता है 7 करोड़ वाले प्लेयर समीर रजवी का, इसके बाद पांचवा नाम आता है इस टीम के महान बल्लेबाज विकेट कीपर डेवॉन कॉनवे का, इसके बाद ये टीम मोइन अली को भी बाहर करेगी, उसके साथ ही आर हंगर केकर को भी बाहर किया जाएगा, अजय मंडल भी बाहर होंगे और डेरियल मिचेल को भी चेन्नई सुपर किंग्स को रिलीज करना पड़ेगा। इसके साथ ही रचिन रविंद्र जैसा बड़ा खिलाड़ी भी चेन्नई की टीम से बाहर हो जाएंगे और इसके साथ ही मिचेल सेंटनर और सिंधु को भी ये टीम अपने स्क्वाड से बाहर करेगी। इसके साथ ही दीपक चहर भी ऑक्शन का पार्ट बनेंगे, तुषार देशपांडे को भी बाहर किया जाएगा, रिचर्ड ग्लिसन भी बाहर होंगे, इसके साथ ही मुकेश चौधरी, मुस्ताफिजुर रहमान और सिमरजीत सिंह भी चेन्नई के स्क्वाड से बाहर हो जाएंगे और इसके बाद प्रशांत सोलंकी, शार्दुल ठाकुर और महेश ठिकसना को चेन्नई सुपर किंग्स अपने स्क्वाड से बाहर करेगी। तो कुल मिलाकर के CSK के रिलीज लिस्ट में इन सभी प्लेयर्स का नाम शामिल होगा। तो अब बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के रिटेन प्लेयर्स के बारे में, यानी कि कौन कौन से बड़े खिलाड़ी को चेन्नई सुपर किंग्स की टीम वापस से अपने स्क्वाड में रिटेन करेगी। तो इस लिस्ट में पहला नाम आता है इस टीम के करेंट कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ का, और ऋतुराज गायकवाड़ को 15 करोड़ रुपया दे करके चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अपने स्क्वाड में वापस से रिटेन करेगी। इसके बाद दूसरा नाम आता है वाइस कैप्टन रविंद्र जडेजा का, और जडेजा को 12 करोड़ रुपया देकर के चेन्नई सुपर किंग्स रिटेन करेगी। तीसरा नाम आता है शिवम दुबे का, और शिवम दुबे को 9 करोड़ की रकम में चेन्नई सुपर किंग्स रिटेन करेगी। और चौथा अंतिम नाम आता है मथीसा पथिराना का, और पथिराना को 6 करोड़ में चेन्नई रिटेन करेगी। तो यह था चेन्नई सुपर किंग्स के टॉप 4 रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट, और हम आपको बताते चले कि यदि MS धोनी अवेलेबल होंगे तब चेन्नई की टीम दुबे को रिलीज करके 9 करोड़ में महेंद्र सिंह धोनी को रिटेन कर लेगी। लेकिन करेंटली MS धोनी के ऊपर चेन्नई सुपर किंग्स के CEO ने स्टेटमेंट दिया है कि अब कुछ दिनों बाद MS धोनी लंदन में एक सर्जरी करवाएंगे और यदि उसके बाद वो अच्छा खासा फिट महसूस करेंगे तभी IPL 2025 में खेलेंगे। हालांकि चेन्नई की मैनेजमेंट चाहती है कि MS धोनी IPL 2025 में खेले। आप लोग क्या चाहते हैं, क्या धोनी अगले साल खेले या फिर नहीं, आप अपनी राय कमेंट में बताएं। तो यह था CSK के रिटेन रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट, और रिटेंशन के बाद चेन्नई के पास 58 करोड़ का पर्स बच जाएगा, और इन 58 करोड़ रुपयों में ये टीम जिन बड़े प्लेयर्स को टारगेट करेगी उनके बारे में बात करें तो सबसे पहले बैट्समैन के साथ शुरुआत करेंगे। तो चेन्नई की टीम जिन बड़े बल्लेबाजों को टारगेट करेगी उसमें सबसे पहले ये टीम टारगेट करेगी डेरियल मिचेल को, जिनको ये टीम अपने स्क्वाड से रिलीज करने जा रही है। उसके बाद ये टीम समीर रिजवी को भी रिटेन यानी कि टारगेट करेगी, और इसके साथ ही
ऑक्शन में जो नए प्लेयर्स को टारगेट करेगी उसमें नाम आता है राहुल त्रिपाठी का। राहुल त्रिपाठी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के लिए ओपन या फिर वन डाउन पे बढ़िया बैटिंग करके देंगे, तो चेन्नई की टीम त्रिपाठी के ऊपर इस साल के ऑक्शन में अच्छी खासी बिडिंग कर सकती है। और अगला जो बड़ा नाम हम लेने वाले हैं वो बहुत ही बड़ा नाम है रोहित शर्मा का। और काफ़ी सारे क्रिकेट रिपोर्ट्स में बताया गया है कि मुंबई इंडियंस की टीम रोहित शर्मा से उतना अच्छा रिलेशन नहीं है, तो रोहित शर्मा ऑक्शन का बाट बनेंगे। और अगर रोहित शर्मा ऑक्शन में आएंगे तो मेरे अकॉर्डिंग चेन्नई इनके पीछे जरूर जाएगी, क्योंकि MS धोनी का जो लीगेसी है वो रोहित शर्मा आसानी से आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं 3-4 सालों तक। तो इस वजह से रोहित शर्मा को चेन्नई सुपर किंग्स अगर ऑक्शन में आएंगे तो 100% टारगेट किया जाएगा। और इसके साथ ही ये टीम डेविड वार्नर को भी इस साल के ऑक्शन में टारगेट कर सकती है। तो चेन्नई कुल मिलाकर के इन प्रमुख बल्लेबाजों को टारगेट करेगी। आपके हिसाब से चेन्नई को और कौन नए प्लेयर को खरीदना चाहिए, आप अपनी राय कमेंट में बताएं। और ये टीम मैक्सवेल को भी इस बार के ऑक्शन में टारगेट कर सकती है। तो अब बात करते हैं कि आखिर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम टारगेट लिस्ट में कौन कौन से विकेट कीपर्स को टारगेट करेगी। तो उसमें पहला नाम आता है फिल सार्ट का, और फिल सार्ट को ये टीम इसीलिए टारगेट करेगी क्योंकि T20 क्रिकेट में इनका परफॉर्मेंस स्ट्राइक रेट काफी बेटर होता है, विकेट कीपिंग अच्छा खासा करके देंगे। तो फिल सार्ट के ऊपर CSK मैनेजमेंट इस साल के ऑक्शन में बिडिंग कर सकती है। और इसके साथ ही अपने पुराने प्लेयर यानी कि डेवॉन कॉनवे के ऊपर भी चेन्नई सुपर किंग्स ऑक्शन में बिडिंग करती हुई नजर आ सकती है। और इसके साथ ही अगर ऋषभ पंत को लेकर के कुछ दिनों पहले बयान आया था कि ऋषभ पंत को ये टीम ट्रेड कर सकती है, तो अगर ऋषभ पंत हार्दिक पांड्या की तरह चेन्नई में आना चाहे तो चेन्नई की टीम इनको कप्तानी भी देगी। और इसके साथ ही MS धोनी की तरह ऋषभ पंत आगे टीम को लेके जा सकते हैं, तो पंत को भी विकेट कीपर के तौर पर यह टीम कंसिडर कर सकती है। लेकिन पंत को दिल्ली छोड़ेगी तभी जाकर के चेन्नई इनको परचेज कर पाएगी। और ऑलराउंडर्स के बारे में बात करें कि कौन कौन से ऑलराउंडर्स को चेन्नई की टीम ऑक्शन में टारगेट करेगी, तो उसमें पहला नाम आता है मोइन अली का, जिनको रिबाई करने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही रचिन रविंद्र को भी CSK की टीम रिबाई करना चाहेगी, मिचेल सेंटनर को भी रिबाई करना चाहेगी, तो इन तीनों प्लेयर्स को ये टीम दोबारा से खरीदना चाहेगी। और इसके बाद जो बड़े प्लेयर्स को खरीदेगी उसमें नाम आता है मिचेल मार्श का, मिचेल मार्श ऑक्शन का पार्ट बने तो उनको 100% चेन्नई की टीम ऑक्शन में खरीदना चाहेगी। इसके साथ ही ग्लेन मैक्सवेल को भी CSK टीम खरीद सकती है, क्योंकि मैक्सवेल चेपॉक के स्टेडियम पे अच्छी खासी स्पिन गेंदबाजी और तगड़ा बल्लेबाजी करके दे सकते हैं। और इसके साथ ही ये टीम रमनदीप सिंह जो कि करेंटली KKR के प्लेयर हैं उनको भी टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि रमनदीप सिंह डेथ ओवर में काफ़ी बढ़िया बैटिंग करके देंगे और गेंदबाजी भी करके देने में सक्षम है, तो रमनदीप सिंह को भी चेन्नई की टीम ऑक्शन में टारगेट कर सकती है। और अगर दुबे को रिलीज किया जाएगा तो दुबे को भी ये टीम ऑक्शन में टारगेट कर सकती है। और गेंदबाजों के बारे में बात करें कि कौन कौन से गेंदबाज को ये टीम ऑक्शन में टारगेट करेगी, तो सबसे पहले उन गेंदबाजों के बारे में बताएंगे जिनको वापस से रिबाई किया जाएगा। तो इसमें नाम आता है तुषार देशपांडे, दीपक चहर, मुस्ताफिजुर रहमान और महेश ठिकसन और शार्दुल ठाकुर का। तो इन पांचों गेंदबाजों को ये टीम दोबारा से खरीदना चाहेगी। और जिन नए गेंदबाज को ऑक्शन में टारगेट किया जाएगा उसमें नाम आता है मिचेल स्टार्क का, स्टार्क काफी बढ़िया बॉलर, इनको ये टीम 100% टारगेट करेगी। इसके साथ ही मुंबई इंडियंस में एक बॉलर थे आकाश मधवाल जो कि कम दामों में चेन्नई को मिल जाएंगे, उनका गेंदबाजी काफी बढ़िया है, तो आकाश मधवाल के ऊपर भी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ऑक्शन में टारगेट कर सकती है। और स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट के बारे में बात किया जाए तो चहल भी ऑक्शन में आने वाले हैं, वरुण चक्रवर्ती भी ऑक्शन में आ सकते हैं। तो युजवेंद्र चहल और वरुण चक्रवर्ती दोनों स्पिन गेंदबाजों को चेन्नई सुपर किंग्स ऑक्शन में टारगेट करेगी। और अगर दोनों में से कोई एक स्पिनर भी चेन्नई को मिल गया ना तो चेन्नई की टीम चेपॉक के टर्निंग ट्रैक पे काफी घातक साबित होगी। तो MS धोनी की टीम जरूर चाहेगी कि चहल या फिर वरुण चक्रवर्ती में से किसी एक प्लेयर को अपने स्क्वाड में शामिल किया जाए। तो कुल मिलाकर के चेन्नई के टारगेट लिस्ट में इन सभी प्लेयर्स का नाम इंक्लूड होगा। और इसके साथ ही ट्रेविस हेड जैसे प्लेयर्स अगर ऑक्शन का पार्ट बनते हैं तो उनको भी ये टीम खरीदेगी। आपके हिसाब से चेन्नई की टीम कौन कौन से नए प्लेयर्स को इस साल के मेगा ऑक्शन में खरीदेगी, आप अपनी राय कमेंट में बताएं। और हम आपको बताते चले कि चेन्नई सुपर किंग्स इस साल मेगा ऑक्शन में 5 प्लेयर्स को ही रिटेन कर पाएगी करंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, और सभी टीमें 4-4 प्लेयर्स को ही रिटेन कर पाएगी और ऑक्शन 2 दिनों तक चलेगा। तो इस बार का मेगा ऑक्शन काफी बढ़िया तरीके से देखने वाला होगा, क्योंकि चेन्नई की टीम इस ऑक्शन में अपने कोर को दोबारा से तैयार करना चाहेगी। तो ये था IPL 2025 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स के रिटेन रिलीज टारगेट प्लेयर्स की लिस्ट और इसके साथ उनका पर्स बैलेंस। आपके हिसाब से CSK कौन कौन से नए खिलाड़ी को इस साल के मेगा ऑक्शन में अपने स्क्वाड में वापस से इंक्लूड करेगी, सभी प्लेयर्स का नाम कमेंट में बताएं। वीडियो
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।